अनीता नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत ठेहर के एक छोटे से गांव कुट की रहने वाली है। अनीता के घर में उनके 60 वर्षीय दादा सरन सिंह जो कि खेतीबाड़ी करते हैं, पिता मेहर सिंह जो कि सेना से सेवानिवृत्त हैं, माता निर्मला देवी जो कि गृहिणी हैं। अनीता के दो भाई हैं, एक भाई सेना में है और एक भाई प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अनीता जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग में राज्य स्तरीय और नेशनल प्रतियोगिताओं में कई मेडल अपने नाम कर चुकी है। अनीता ने हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। अनीता के साथ खास बातचीत में अनीता ने बताया कि उसने मैट्रिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुखेर से पास की है और उसी स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब अनीता नूरपुर के आर्य कॉलेज में बीए कर रही हैं। अनीता ने बताया कि जब वे कॉलेज में पढ़ रही थी तब अमित राणा जो कि बच्चों को खेलकूद में प्रशिक्षण सिखाने के लिए ढूंढ रहे थे, उस समय मेरी मुलाकात अमित राणा से हुई थी। उन्होंने मुझे हर तरह से प्रशिक्षण दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अनीता ने बताया कि उनसे पहली राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में भाग लिया और तीसरा स्थान हासिल किया, फिर वह पीछे नहीं हटी और हर प्रतियोगिता में भाग लेने लगी। अनीता ने नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपना बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनीता गोल्ड जीतकर पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनी है। अनीता ने नौजवान पीढ़ी से आग्रह करते हुए कहा कि नौजवान पीढ़ी आजकल नशे में लिप्त हो रही है, उसे खेलों में रुचि लेकर नशे से दूर रहना चाहिए। नौजवान पीढ़ी खेलों में रुचि ले और अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन करे। अनीता है, मैं कुखेर कुट गांव से हूँ। मैंने 10th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुखेर से की थी और प्लस टू भी वहीं से की। इसके बाद मैंने गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर में दाखिला लिया। वहाँ पे मैं बीए कर रही हूँ, बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और जो हमारे कोच है अमित राणा जी, वो खेलने के लिए बच्चों को ढूंढ रहे थे। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते वहीं पे मेरा भी चयन हो गया, जिस कारण मुझे खेलने का मौका मिला। और इसी कारण जो हमारे कोच अमित राणा जी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया मुझे। और इसी के चलते हमारे टूर्नामेंट हुए, जो कि बस टूर्नामेंट जुडो के शिमला में हुए थे। वहाँ पे मैंने 63 वेट में खेलकर मेडल जीता। और इसके दौरान हमारे रेसलिंग के कंपटीशन हुए, वो इंदौरा में हुए थे। वहाँ पे मैंने 69 वेट में खेलकर मेडल जीता था। और इसी के चलते हमारे जो ओपन के टूर्नामेंट हुए थे वो शिमला में हुए थे, वो मैंने 63 वेट में खेले थे। वहाँ पे मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। और इसी के दौरान 21 जुलाई 2018 को दिल्ली में हमारी जो चैंपियनशिप थी मिक्स मार्शल आर्ट की, वो हुई। उसमें भाग लेकर मैंने गोल्ड मेडल जीता। और इसी के दौरान जो है गंगत में जो महादंगल होता है, उसमें लड़कियों को निमंत्रण किया गया था, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट करने के बाद हमें वहाँ से भी मेडल हासिल हुए थे।